आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर पियाची। एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और करीब 2 महीने होने को आए हैं और लगातार ये प्रदर्शन अपना जारी रखे हुए हैं और पेंडिंग वेजेस को रिलीज करो के साथ साथ रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी उम्मीद इन्हें है और कितना ज़्यादा रोष ये जो जिता रहे हैं इनसे हम जाते हैं। क्या कहना चाहोगे आप, 2 महीने होने को आए हैं आप? अरुण जी, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। हम लगातार यहाँ 53 दिन से लगातार स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन सरकार को कोई टस से मस नहीं हो रही है और सरकार बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है। आज रखड़ी का त्यौहार है, हमने रखड़ी नहीं बांधी है क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम कहाँ से रखड़ी लाएंगे? हम बहुत दूर दराज इलाके से यहाँ आकर लगातार 53 दिन से हम स्ट्राइक पर बैठे हैं, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती है कि ये गरीब लोग क्या कर रहे हैं। कोई भी LG प्रशासन का यहाँ कोई जिम्मेदार हमारे पास नहीं आया है। हम गरीब लोग हैं, हम फाकाकशी के शिकार हैं। हमारे माँ बाप इस वक्त दवाई के लिए परेशान हैं, वो हम उनको दवाई दे ही नहीं सकते हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में फीस ही नहीं है और जहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग पढ़े लिखे, जो लोग मुलाजिम हैं, उनके ही बच्चे मुलाजिम क्यों आ रहे हैं? गरीबों का बच्चा मुलाजिम क्यों नहीं है? क्योंकि हम सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं है, फिर प्राइवेट स्कूल में हम कहाँ पढ़ाएंगे? हम बच्चों को, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी 72 महीने की पेंडिंग वेजेस जो पड़ी है वो नहीं हमें दी जा रही है। और हमें सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकाले, बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली, हमें PMAY से बाहर निकाला गया, हमें राशन नहीं दी जा रही है। हमारे कोई BPL राशन कार्ड नहीं है, हमें APL राशन कार्ड भी, जहां PHE का डेली वेजर मुलाजम किसी भी स्टोर के सामने या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाए, उनकी आंखों में खून क्यों आता है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या वो उनके, अगर उनके बच्चों को यहाँ लाठियाँ चाहे उनको दर्द नहीं है? हम तो LG गवर्नर साहब के बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए था। और ये 15 दिन आज़ादी का दिन है, ये खुशी का दिन है, लेकिन हम कैसे खुशी मनाएं? हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो कोई पैसा नहीं। हमारी जब से हम स्ट्राइक पर बैठे हैं तब से हमारी तनख्वाह भी बंद कर दी है, लेकिन ऊपर से नारा चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम बहुत मजबूर लोग हैं और बहुत बेकबस लोग हैं। हम दूर दराज यहाँ से एरिया से यहाँ आकर लगातार बैठे हैं, लेकिन आज तक हमारे तक कोई नहीं। हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ, काफ़ी मुश्किलें इनको आ रही। इनका ये भी कहना है कि हाथों की कलाई जो है वो भी सूनी पड़ी हुई है, क्योंकि पैसा नहीं है, किस तरह से दिन त्यौहार जो आएगा वो मनाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रेगुलराइजेशन की डिमांड इनकी कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन ऐसे में पेंडिंग वेजेस जो है वो भी रिलीज़ नहीं की गई है, क्या कहेंगे? मैं हुशियार सिंह, PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। आज जैसे मेरे साथी बोल रहे हैं कि 53 के करीब भी हमारे डे हो गए हैं ये एजिटेशन के। हमने साफ सुपर से मैसेज LG प्रशासन को दिया है, ये जंग, ये महायुद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने है जे वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया। मेरे साथी सेवा देते देते 30 साल जब उनकी सेवा हो गई तो तकरीबन एज उनकी 60 साल होगी, तो डिपार्टमेंट ने उनको आधार कार्ड दिखा के घर भेज दिया कि आपका रिटायरमेंट का टाइम हो गया। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को। रिटायरमेंट मींस उसको कोई बेनिफिट नहीं, कोई रिलीफ नहीं, और तो और उसका जो पेंडिंग वेजेज अपना 70 महीनों का वो तक नहीं दिया, तो बेचारा घर जाके शर्माता हुआ मुँह अपना छुपाता फिरता है, क्योंकि उसके बच्चों को उम्मीद थी कि ये रिटायरमेंट आएंगे तो हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, अच्छा ढंग से खाना पीना, कपड़े ठल्ले जो भी लगाओ, घर की गृहस्थी की दिशा सुधरेगी। मगर प्रशासन ऐसा रहा जैसे पिछली सरकारें थी, कोई 5 पैसे का फर्क नहीं। LG प्रशासन अभी भी क्या अपील आप कर रहे हैं उनसे, क्योंकि लगातार पुल बंद भी आपके द्वारा किया गया, कंबाइन जो है प्रोटेस्ट भी किया गया, कि तिरंगा हाथों में लिए भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन कोई भी साधन अभी तक नहीं निकला। अभी क्या आपकी फिर भी अपील है सरकार से? सरकार की पहली अपील तो यही, हमारी जो 3 डिमांडें, रेगुलेशन पॉलिसी है तो पेंडिंग वेज और मिनिमम एक्ट, इसको तुरंत लागू करें। अगर वो देर करते हैं तो 15 तारीख के बाद एक बड़ा सा प्रोग्राम फिर होने जा रहा है। जैसे 2 कार्यक्रम इनसे संभले नहीं गए, अभी आवाज़ और बड़ी होगी, संख्या भी बड़ी होगी, तो फिर जम्मू के हालात फिर ख़राब होंगे। चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब हुई, चाहे आम जनता को परेशानी हुई, इसी सब की जिम्मेवारी LG प्रशासन की है। हम स्ट्राइक हर कार्यक्रम देने से पहले 5-10 दिन पहले बोल देते हैं कि चाहे तो प्रशासन ठीक रास्ते पे आ सकता है, हमारी जायज डिमांडें पूरी कर सकता है, तो वरना हमारा यही एक रूट मैप है कि अपना
काम छोड़ के अपने बदुआ मजदूरी से आज़ादी पाने के लिए ये सारे काम जो है हम करेंगे, जब तक हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी पूरी नहीं होती ये युद्ध हमारा जारी रहेगा। शुक्रिया, जय जय भारत। तो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबर्स यहाँ पर थे, इनका साफ तौर से ये कहना था कि पेंडिंग वेजेस को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, उसके साथ साथ रेगुलराइज पॉलिसी जो है इनके लिए लाई जानी चाहिए। और 15 अगस्त तक इनका ये कहना है कि फिलहाल के लिए ये इसी तरह से धरने प्रदर्शन पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहे यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।